ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। जय श्री राम भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल एक चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जो अल्पसंख्यक समाज है वो बच्चे इतनी जल्दी पैदा कर रहे हैं, इतने ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं जिससे कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, नहीं तो एनालाइज किया है हमारे देश ने कि 2023 में या 2023 के बाद हमारी जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हो जाएगी। आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में हो जाएगी। कुछ वर्ग इतनी ज़्यादा तेज़ी से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, पता नहीं उसका क्या मोटिव है, क्या चाहता है वो वर्ग, लेकिन बहुत तेज़ी से इतने बच्चे पैदा कर करके वह एक ही मज़हब को, एक ही समाज को इतना बढ़ाना चाहता है कि वो कुछ भी कर सकता है इन फ्यूचर। जैसे कि एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, 2047 तक ये अपना एक राज कायम करना चाहते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। जैसे कि आप इस वीडियो में और इस फोटो में देख रहे होंगे कि इसमें ये लोग एक चीज़ का प्लान बना रखा है, इन लोगों ने एक चीज़ की प्लानिंग कर रखी है कि 2047 तक ये लोग अपना साम्राज्य कायम कर लेंगे, अपना एक अलग ही कानून बना ले, संविधान से नहीं चलेंगे, ये लोग सदिया से चलने वाले लोग हैं। देख लीजिए, आज में साफ स्पष्ट दिख रहा होगा, ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से निकल कर आ रही है सामने। इसीलिए योगी सरकार ने इसके ऊपर एक बड़ा फैसला लिया है कि अब जनसंख्या नियंत्रण करनी पड़ेगी। क्योंकि आप देख रहे हो कि योगी सरकार ने क्या बोला है, ऐसा ना हो कि एक समाज की जनसंख्या इतनी बढ़ जाए और जो मूल निवासी हैं, जो देश के जो पक्के देश के हैं, उनकी संख्या कम हो जाए। उनकी जनसंख्या कम नहीं होनी चाहिए, और जो एक वर्ग है उसकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो देश संविधान से नहीं चलेगा, देश सरिया से चल सकता है। जैसा कि आपको पता है, सबको पता है अपने अपने मन में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और आप इस न्यूज़ में योगी सरकार की बातें सुन रहे होंगे, योगी जी क्या बोलना चाह रहे हैं स्पष्ट आपको पता चल रहा होगा कि किसी एक वर्ग की जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए। तो जल्द से जल्द ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि लोग कम से कम मतलब अपनी संतानें पैदा करें। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ उन अल्पसंख्यकों से जो लगातार इतने ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, मतलब एक एक जना कम से कम 10 से 12 बच्चे पैदा कर रहा है, तो हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सब ना करें और देश को विकास की ओर ले जाएं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और योगी सरकार भी इसके ऊपर एक बड़ा कानून लाने वाली है। जय श्री राम।